बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा बॉर्डर है ये गुजरात फ्रंटियर के अंडर में आता है। तो एज गुजरात फ्रंटियर के आईजी के तरीके से मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ। और मैंने कल मुनाबाव जो ट्रेन आती है थार एक्सप्रेस, उसका भी पूरा सिक्योरिटी वगैरह का एसेस किया बॉर्डर पे, किस हिसाब से उसकी क्रॉसिंग होती है। और यहाँ ओवरऑल बॉर्डर की सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस किया सभी ऑफिसर्स के बारे में, विजिट भी किया बॉर्डर। तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द वर्क। अपना बॉर्डर बिल्कुल बीएसएफ बहुत जोश से काम कर रही है और बॉर्डर इज़ परफेक्टली सेफ है। सर, आपने विजिट किया तो आपने जवानों से भी फीडबैक लिया, किस तरीके की यहाँ सर दिक्कत आती है? मतलब आमतौर पर देखा जाता है गर्मी में पानी की थोड़ी सी दिक्कत है। यहाँ थोड़ा पानी का इशू है, बाकी तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी ओवर द इयर्स काफ़ी अच्छा डेवलप हो गया है, बट पानी की डेफिनेटली यहाँ इश्यूज हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। कुछ जगह टैंकर से पानी आता है, कुछ जगह पाइपलाइन से भी है, बट डेफिनेटली पानी का अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं, अभी वो सब प्रोसेस चल रहा है। अभी हम मैं भी अभी नया ही मैंने ज्वाइन किया है, तो उसका एग्जामिन करके ऑल थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट। सर, सीमा के उस पार पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार आने के बाद में बॉर्डर पर नहीं, कुछ चेंज देखिए आया उसके है? बारे में तो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आई हैव कम हेयर जस्ट टू सी व्हाट आई एम सपोज टू डू, टू सी के यहाँ पे सब बॉर्डर सेफ है अपना, अच्छी तरह जवान जोश से काम कर रहे हैं, अच्छी तरह हमारा बिल्कुल, और उसमें मैं आई फाउंड के एवरीथिंग इज परफेक्ट है। नहीं, ऐसा है कि ओवर द इयर्स अगर आप देखें, यहाँ से 10-15 साल पहले की पोजीशन देखें और आज देखें, तो काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको लगेगा। मतलब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मैं कच्छ में एसपी भी था, एएसपी भी 94-95 में था, और डीआईजी रेंज भी वहाँ रहा हूँ बॉर्डर। मैं गुजरात कैडर से हूँ, तो मैंने देखा है कि इतना मैसिव इम्प्रूवमेंट हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी में। फेंसिंग वगैरह पहले नहीं थी, जैसे कच्छ का मैं बताऊँ तो वो भी आ गया है, और इधर भी फेंसिंग का भी काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे फेंसिंग है, उसकी सिक्योरिटी भी है, उसका सेटअप पूरा एसओपी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है। नहीं, देखिए काफ़ी अगर आप देखें पिछले करीब 1-2 साल में कूलर्स वगैरह भी काफ़ी बीओपीज पे सप्लाई हुए हैं। कुछ अभी भी डेफिनेटली यू नो डिमांड इज ऑलवेज मोर, तो उसका भी प्रोसेस हम धीरे धीरे वो भी प्रोसेस पूरा सर, सर करेंगे। एक और आधुनिक हथियारों को लेकर भी बीएसएफ दिन ब दिन टेक्निकली चेंज होता जा रहा है। नहीं, पहले आप देखें तो सपोज 10-15 साल पहले 7.62 mm का वेपन्स थे, अभी 5.56, विच इज़ बेटर देन दैट। तो वी आर डेफिनेटली यू नो हमारा जो इक्विपमेंट जो आर्म्स वगैरह के हैं वो भी पुराने टाइम से काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। ओवरऑल आई कैन से के थिंग्स आर क्वाइट गुड, सो आवर बॉर्डर इज क्वाइट सेफ सर, मेरा इन एक देंस। सवाल है,